आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डी ग्राम में एक पिता ने अपने पुत्र की जान लेने के लिए उसके कमरे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस घटना में पुत्र रहमान गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज फिलहाल TMH अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बारे में रहीम अंसारी ने बताया कि वह और उसका छोटा भाई रहमान अंसारी दोनों जुड़वा भाई है और दोनों अलग अलग कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं और पिता और बहन भी समीप में ही अलग घर में रहते हैं। घटना सवेरे 7:30 बजे की है, जब अचानक रहमान के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर जब रहीम ने अपने कमरे से बाहर निकला तो वह देखा कि इस आंगन में पिता नीचे गिरे हुए और भाई बाथरूम में चिल्ला रहा है, जिसने जलने की बात बताई। वही जब वह कमरे की ओर गया तो देखा कि रहमान का पूरा कमरा का सामान जल रहा है। इसके बाद रहीम ने घायल रहमान को TMH अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर कमरे का पूरा सामान जल जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ और इस घटना के बारे में रहमान ने अपने पिता रफीक अंसारी पर ही आरोप लगाया है कि दोनों भाइयों के विवाह के बाद से पारिवारिक विषयों को लेकर उनके बीच अनबन चल रहा था, जिसको लेकर एक बार पूर्व भी उन्होंने घर में आग लगा दी थी, लेकिन इस बार पिता ने अपने पुत्र की जान लेने के लिए पुत्र के सोते हालत में उसके कमरे में आग लगा दी। फिलहाल रहमान इस घटने में काफी आहत है और पिता के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया है। घटना हुई है, 7:30 बजे के बीच कैसे क्या है बताइएगा, क्या उस समय घर में सब थे? हाँ, उस समय घर में सब थे। बेसिकली हमने दिल्ली रात लेट से आते, भाई हम एक भाई का रूम था, हम वहाँ सोए थे। अचानक सुबह से बहुत जोर आवाज आया चिल्लाने का, हम भागते हुए बाहर आए तो बहन लोग भी आई, आके देखे तो पापा यहाँ पे थे और भाई चिल्ला रहा था बाथरूम जल्दी बचाओ, पूरा सर में एकदम लाल था, बोला खून उन लगा हुआ या कुछ गिर गया होगा। हम सब सर पोछ रहे थे, लेकिन देखे अलग तरफ अचानक से नजर पड़ा, यहाँ देखा घर पर आग लगा हुआ पूरा। हम क्या कर, डर के हम क्या कर गए, तुरंत गाड़ी निकालने की कोशिश की, देखे बाहर में गाड़ी खड़ा हुआ था, गाड़ी में कार का चाबी लगा हुआ था मेरा और गाड़ी के आगे एक पेट्रोल का ये था, जार था, पेट्रोल जार रखा हुआ था। अब हम भाई को ले जाने लगे तो उसके नीचे में जैसे पापा को ले जाने लगे, पापा भी गिरे हुए थे नीचे, उनको तो भाई बोला कि इसको एकदम गाड़ी मत बैठाओ ना तो हम नहीं जाएंगे। जब अगला बात भाई बोला तो हम समझ गए कि हम तुरंत उसको यहीं छोड़ दिए, हम बोले तुम उसको यहीं रखो, लगा मुझे देखते रहना कहीं हॉस्पिटल के रास्ते में पूछे भाई क्या हुआ, बोलता हमको जहर दे दो, पापा आग लगा दिया। तो क्या झगड़ा था पिताजी और बेटा? पहले बेटा फैमिली में उतर आता है, अब जैसे अब बच्चा लोग बड़ा, अब इतना तक नहीं कुछ कैसे होता है, कुछ झगड़ा मम्मी झगड़ा दिन तो हो गया, कुछ बोल दिया तो पापा के बीच में बोल दिया, उसी चीज़ में मैट्रिक में ही झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो भाई और भाभी रूम में थे उसी समय? नहीं नहीं, भाई यहाँ पे सोया हुआ था, बोला भाभी और उसका बच्चा वहाँ उस रूम में, किचन में खाना ना बना, नाश्ता बन रहा था और हम यहाँ सोए थे। 7:30 बजे कर भी 7:30 से 8 के बीच की बात है। मतलब आप लोगों को शक है कि पिताजी की? कब से इस तरह का चल रहा है विवाह? इस तरह का घटना बहुत बड़ा घटना पहला बार हुआ सर, कोई इतना भी बाप अपना बच्चा के लिए ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ वर्षों से विवाद चल रहा है? विवाद कुछ वर्ष विवाद नहीं बोलेंगे इसको, हर घर झगड़ा झंझट होता है, माँ बाप को झगड़ा होता है तो बच्चा बीच में जाता है, तो उसी चीज में उनको ईगो में लग गया था, बस वो ईगो के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया आदमी। शादी मर्जी से, मतलब कि सबका मर्जी से ही हुआ था भाई का? मेरा और मेरा भाई, हमने दोनों शादी तो बहुत पहले हुआ, वो मैटर कोई मतलब नहीं है, शादी तो कोई लेना नहीं, हम लोग बहुत पहले का मैटर था, सब कुछ सब कुछ था। मेरा दो बच्चा है, मेरा भाई की एक बेटी है, मतलब अरेंज मैरिज ही हुआ था हमने दोनों का, भाई का लव मैरिज, बट इससे कोई लेना नहीं। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का, क्या क्या जला है? सामने कुछ बचाव दिख रहा है आपको? कुछ भी है यहाँ बचाव? लेकिन हाँ, इतना है भाई का टोटल कपड़ा लता सामान उमान कुछ ज्वेलरी होगा, पैसा सब कुछ होगा, तो सारा कुछ चली गया था, लेकिन हम पैसा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब लाख रुपए से ऊपर का नुकसान होगा, पैसा वगैरह कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम भाई का ज्यादा लगा, दो तीन लाख भाई घायल वापस बन गया। लेकिन हाँ, घर में आपको देख रहे, घर में एक भी चीज बचा, एसी जल गया, फ्रिज जल गया, अलमीरा लोहा का अलमारा जल गया, कुछ भी बचा घर में? सोना थोड़ी जल गया। भाई अभी कहाँ? TMH में? क्या नाम है भाई का? रहमान अंसारी। और पिताजी का? रफीक अंसारी। आपका? रहीम अंसारी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।